खबर मंडला से। कांग्रेस पार्टी नए वर्ष के मौके पर मनाए संकल्प दिवस। आज जहां पूरा देश नूतन वर्ष का जश्न मना रहा है, वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आदेशानुसार 1 जनवरी 2023 से कांग्रेस यह आवाज बुलंद कर रही है कि 2023 का साल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार का बदलने का साल है। प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार संकल्पित है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हाथ में तिरंगे झंडे के साथ रैली निकालकर प्रदेश की भाजपा सरकार को बढ़ती महंगाई एवं बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के चलते आड़े हाथों लिया है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अंजनिया के तत्वाधान में आज भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का प्रचार करते हुए रैली का आयोजन किया। समापन गांधी जी की प्रतिमा में माल्यार्पण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का जो आयोजन है हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, हमारे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे आदेश हुआ है कि नए साल में 1 जनवरी 2023 को हम इस पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ कि नए साल में हमें नई सरकार लाना है, ये जो आज की निकम्मी सरकार है इस सरकार को बदलना है और इस सरकार को बदलते हुए देश में नई सरकार लाना है। और उसी संकल्प के साथ हमारे सभी कांग्रेसी भाई एक साथ आज एकजुट होकर के, ये तो परिहार कारणों से आज 1 जनवरी है, लड़के यूथ लोग जो है हमारे वो नया वर्ष मनाने चले गए हैं, अन्यथा आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित होते। और यही संकल्प के साथ हमारे सभी कांग्रेस कार्यकर्ता आज एक साथ एकत्र होकर के पूज्य महात्मा गांधी जी के चलचित्र पर माल्यार्पण कर रहे हैं और इस संकल्प को फलीभूत करने के लिए प्रत्येक कांग्रेसी दल संकल्पित है और आने वाले समय में इस निकम्मी सरकार को बिल्कुल बदलना है। सब लोगों को मालूम है, सभी भाइयों को जानकारी है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उनका कहना था कि इस देश से महंगाई को हटाना है, इस देश में मैं हर साल लोगों को, करोड़ों लोगों को रोजगार दूंगा, सबके खाते में 15-15 लाख जमा करूंगा। ये झूठे लोग केवल झूठी घोषणा करते हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, तब से सिवा लफासी के, झूठ के अलावा और कोई उनके पास बोलने के लिए विषय नहीं है। उन्होंने सबसे पहले बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा की, फिर 15-15 लाख देने की घोषणा की, फिर देश की स्थिति सुधारने की घोषणा की, फिर बेरोजगारों को, सभी बेरोजगारों को रोजगार देने की घोषणा की। आज ये बताइए, किसी के खाते में 15 लाख आया? नहीं आया ना। किसी को रोज़गार मिला? नहीं मिला। बुलेट ट्रेन कहाँ है? डीजल पेट्रोल के दाम हमारे कार्यकाल में 60-70 रुपये थे तो बोलो क्या नाम है, साइकिल में जाते थे दिखाने के लिए कि इतनी महंगाई आ गई, और आज सैकड़ा के ऊपर चला गया डीजल, कभी पेट्रोल से ज्यादा महंगा नहीं हुआ था इनके राज में। खबर भारत वर्ष के लिए मंडला मध्य प्रदेश से भुवनेश्वर केबट की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।